लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एग्जाम पढ़ रही हूँ। ओके। ये अच्छा नहीं है। क्या तुम जो कर रहे हो? किताब पढ़ना तो अच्छी बात है, और वैसे भी मैं कोई गलत किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज की किताब पढ़ रहा हूँ। तुम जो पढ़ रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, तुम जो देख रहे हो मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ मैं तो अच्छी तरह देख रहा हूँ। बात को बदलो मत। तुम मेरी कमर को देख रहे थे। What? एक्टिंग मत करो। तुमने देखा है? नहीं। देखा है? मैंने कहा ना नहीं देखा है। मैंने कहा ना देखा है? देखा है। तुमको देखते वक्त मैंने तुमको देखा है। हाँ हो सकता है पेज पलटते वक्त मेरी नजर चली गई हो, लेकिन मैंने कोई गलत नजर से नहीं देखा। तुमको आए हुए एक मिनट भी नहीं हुआ है, तुमने एक पेज भी नहीं पढ़ा है, मगर देखा दस बार है। देखो खुशी, तुम मुझे गलत एंगल से देख रही हो। क्या? मैं गलत एंगल से देख रही हूँ या तुम गलत एंगल से देख रही हो? खुशी, you're always mistaking me। याद करो अब तक क्या क्या हुआ है। जब मैंने तुम्हें विकी का खुला लेटर दिया, अंदर का मैटर जब मैंने तुम्हें सुनाया तो तुमने क्या कहा? दूसरों की छुपी हुई चीजों खोलकर नहीं देखना चाहिए, तुम गलत हो, गंदे हो, you're a cheat, you're a pervert, you're a liar। इस तरह कितनी गालियां दी थी मुझे, दीदी की नहीं। और जब मैंने तुमसे कहा उसके अंगूठे में चोट आ गई है, वो लिख नहीं सकता, मुझे डिक्टेट किया, मैंने लिखा, तो ये सब जाने की बात ही तुमने मुझे सॉरी बोला? बोला कि नहीं? चलो ये छोड़ो, अपनी फर्स्ट मीटिंग को ले लो। जब विकी ने प्रिया के लिए पहली बार मुझे लव लेटर दिया और मैंने तुमको दिया, तो तुमने क्या समझा? वो लेटर मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये सोचकर कितना चीखी, कितना चिल्लाई। और जब तुम्हें सच्चाई का पता चला तभी तुमने मुझे सॉरी बोला? बोला कि नहीं? मैं बताता हूँ वाकई में तुम क्या चाहती हो। सब तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने हो, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें आई लव यू बोले, और जब कोई ये करता है तो तुम भड़क जाती हो, हंगामा मचा देती हो, बेचारे पे इल्जाम लगा देती हो, ये मुझे लाइन मार रहा है, यही लड़कियों की साइकोलॉजी है ना? मेरे बारे में बात करते हो, सिर्फ मेरे बारे में बात करो, बाकी लड़कियों के बारे में नहीं। क्या क्या जानते हो तुम लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में? मन के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हम वो नहीं, मैं वो नहीं, तुम लोग हो। ओके, तुम हो। उस दिन रेस्टोरेंट में फ्राइडेस खाते हुए क्या किया था तुमने? जानबूझकर अपना चम्मच गिरा दिया, और उसके बाद मुझसे, मेरे चम्मच से, मेरे झूठे चम्मच से खाया ना? उस दिन तुम्हारे दिल में कुछ और था, पर जाहिर कुछ और कर रहे थे। क्या चुबाते थे तुम? उस दिन अच्छी वाली गाड़ी को खराब बता दिया, और क्या कहा? लॉक करके वॉक करेंगे। और वॉक करते वक्त तुमने मुझसे क्या पूछा था? कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है, सबसे ज्यादा कौन पसंद है? बहुत मुझकर परेशान कर दिया। और उससे जब तुम्हारे डैडी कॉलेज आए थे सबको इंट्रोड्यूस किया था। He is Vicky, studying maths, my classmate, my friend. He is Ajay, studying physics, my college mate, my friend. She is Khushi, studying physics, my college mate, my friend. ऐसे दिमाग से क्यों नहीं बोला था? हाँ? उधर क्यों इसके जा गए? उधर भी कुछ छुपाया था ना? क्या छुपाया था तुमने? हाँ, हाँ, हाँ। इतने दिनों तक ये सारी बातें जानते हुए भी तुम ऐसे क्यों बिहेव करती रही जैसे तुमको जानती ना हो, इसको मैं क्या समझूं? सब कुछ जाने के बाद भी तुमने मुझे कैश रिप्रेजेंट किया। ओके, वो तुमने मुझे फ्रेंडशिप पे दी, मगर उस दिन जब मैं फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था, आई लव यू बोलकर किस कर रहा था, तो तुम उसके बारे में जाने के लिए इतनी परेशान क्यों थी? कौन? मधु, मधु कौन? मेरी माँ। ये जाने के बाद ही तुम कूल हो गई। तुमने अपने जाने वाले की अच्छी सेहत के लिए एक ऐश रिप्रेजेंट किया, फाइन, उसे दोस्ती कहेंगे, मगर मधु के बारे में, मेरी माँ के बारे में जाने के लिए जितनी परेशान थी तुम, उस परेशानी को, उस पोसेसिवनेस को क्या कहोगी?
मत घुमाओ। तुमने मेरी कमर को देखा या नहीं? तुमने मुझे प्यार किया या नहीं? नहीं। तो मैंने भी नहीं देखा। खुली जगह पर बैठी हुई अकेली लड़की से 5 मिनट बात क्या कर ली कि उसने मुझमें हजारों गलतियां निकाल दी। ऐसी इगोइस्टिक कैरेक्टर के साथ मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। और अगर हो भी गई तो प्यार तक नहीं पहुंचेगी, प्यार तक पहुंच गई तो शादी तक नहीं पहुंचेगी। और अगर किसी दबाव में आकर शादी तक पहुंची भी तो फिर उसे पहले ही मैं लेटर लिखूंगा कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता और वहां से भाग जाऊंगा। क्या लड़की है? I have never seen a girl like this. What a ego. खुशी, तुम्हें मेरे और मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं करण नाम की किसी लड़की से मिली भी थी। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है। There is nothing between you and me. खुशी आए अरे ये तो बिल्कुल मास्टर जी की जुड़वा बहन लगती है। एक्सक्यूज मी। यस। हमारे मास्टर जी आपके जुड़वा भाई तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ बहने ही बहने हैं। अरे ये तो अपना मास्टर है यार। अरे मास्टर ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या हुलिया बना रखा है? लोग अपने हलवे बनाने के लिए चोरी चकारी घुसपैठिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। मैंने तो सिर्फ अपना नाम बदला है, मदन से मदन भोसले हो गई। उसने क्या? अरे मास्टर अपने किसी एल्बम का नाम तो बताइए। बालम जिद ना करो मास्टर, धुन तो सुनाओ। धुन धुन तो देहरादून है। ये गाना मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसका एल्बम जब निकलेगा ना तो पूरे हिंदुस्तान में बम बम होगा। गाना सुनाओ। रात की कली दिन में भग चली, वो तो चुलबुली भटके हर गली, उसके आगे हम और क्या कहें, बालम जिद ना करो। इसके आगे हम और क्या कहें, बालम जिद ना करो। मास्टर ये तो आशा भोसले के फेमस एल्बम जन्म समझा करो का गाना है। वो तो फिल्म का नाम है यार, जन्म समझा करो क्या बात करता है। अरे जन्म समझा करो एल्बम थी हिट लेकिन फिल्म थी शिट। पूनम। यस सर। तुम मेरी क्या हो? वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं सर। वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा लेकिन पहले बताओ तुम मेरी हो क्या? सेक्रेटरी सर। सेक्रेटरी का काम क्या होता है? मार्केट में जाकर ये देखना चाहिए कि गाना कौन सा है, किसका है, किसका क्या गेटअप है, ताकि कोई गेटअप किसी से मिले जुले ना हो। सॉरी सर। बात सॉरी का सॉरी तू? जी सर। जी सर जी 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 में काम करती है तू, बात करती है। अच्छा एक और कंपोजिशन सुनाओ। न मरते हम तो क्या करते, हजारों में तुम ही तुम हो मेरे सनम तारा। गलत फहमी में मत आना, मैं यहां कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आई हूं। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना गलत है? देखो मैं तुम्हारे साथ, सॉरी आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करने नहीं आई हूं, एक जरूरी बात करने आई हूं। इन 2 महीने के समर हॉलीडेज में हम यहां नहीं थे, यहां बहुत कुछ हो गया। विकी प्रिया से मिलने उसके घर पहुंच गया और धोखे में प्रिया समझकर उसके फादर को उठा दिया और पकड़ा गया। नो। प्रिया के फादर ने प्रिया को घर में कैद करके रखा हुआ है। विकी क्लास में आया था क्या? नहीं। हमने जिस प्यार को बढ़ावा दिया था वो आज प्रॉब्लम में है। I mean, मैं विक्की और प्रिया के प्यार के बारे में बोल रही हूं।
प्रिया से मिली थी तुम? सॉरी, मिली थी आप। हाँ, मैं अभी उसके घर से उसी से मिलकर आ रही हूँ। बहुत रो रही थी वो, मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुझे और विक्की को मिलाना मेरा फर्ज है, ये मैंने उसको प्रॉमिस किया और आपने भी आपके दोस्त को प्रॉमिस किया है दोनों को एक करने का। सो मुझे मेरे दोस्त के वादे को निभाने के लिए और आपको भी अपने दोस्त के वादे को निभाने के लिए हम दोनों को मिलकर उन दोनों को मिलाना है। हम दोनों को मिलकर, जो मेरा कहने का मतलब है पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, उन्हें मिलाने के पीरियड में हमारे बीच जो रिश्ता रहेगा वो मैं अभी डिसाइड करूंगी। ना वो प्यार होगा, ना कोई दोस्ती होगी, ना ही कोई रिश्ता होगा। अ रिलेशनशिप विच हैज नो मीनिंग। हमारा ये रिश्ता भी उस वक्त तक रहेगा जब तक वो एक नहीं हो जाते। मैं उम्मीद करती हूं कि आप ऐसा ही करेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। अब मैं क्या बोलूं, जो मैं बोलना चाहता था आपने बोल दिया। विक्की से मिलने चले? Let's go.